हेलो दोस्तों, इस प्रकार की फोटो एडिटिंग आप एल्बम बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा स्टेप बाय स्टेप देखे, क्योंकि आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये थोड़ा ऐड नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए पिक्सआर्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से नहीं मिलेगा तो गूगल से कर लेना। उसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको ये बैकग्राउंड इमेज इसमें ओपन करनी है आपको डिस्प्ले में। उसके बाद ऐड फोटो पर क्लिक करना है दोस्तों, और जो अपनी बड़ी फोटो आगे रखना चाहते हैं, जिस पर आपने सबसे पहले थंबनेल में देखा होगा वो वाली फोटो चूज कर लेना। उसके बाद आपको फोटो को जूम करना है, उसके बाद स्लो डाउन करके इसके ऐसे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद इसको स्किप कर देना होगा ये ऐड। उसके बाद आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, नीचे वाले को पुल, इसको थोड़ा सा कम अपने हिसाब से। उसके बाद आपको मॉडल पर जहाँ जहाँ मॉडल है वहाँ पर आपको ड्रॉ करना होगा, क्योंकि हमें इसका बैकग्राउंड हटाना है और बहुत ही अच्छी तरह से ना इसकी थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी, 2-3 मिनट ज़्यादा लगेंगे दोस्तों। आपको आसान से और धीरे धीरे करना, आपको फोटो क्वालिटी अच्छी करनी है तो आपकी एल्बम सही बनाना है तो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम निकलो तो इंस्टाग्राम पर धूम मचाओ दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ की हूँ। आपने सोच रहे होगा ये भाई इतना जल्दी कैसे कर रहा है, मैंने वीडियो तेज़ किया इसीलिए। ये जब तक इरेज हो रहा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आप लाइक करते नहीं हो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, कोई नहीं करता, प्लीज़ कर दो यार, कुछ नहीं कर दो, आप सोचो मत, कर दो यार। ये हो गया सब्सक्राइब, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको राइट क्लिक कर देना होगा, ये आ गया इधर। इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ उस प्रकार आप ही अपना फ़ोटो लगा लेना, ठीक है, यहाँ पर लगा देना। उसके बाद आपको राइट कर देना है, उसके बाद फिर आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना होगा यहाँ पर नीचे। उसके बाद आपको और 3 फोटो ऐड करने होंगे। सबसे पहले हम एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, ये वाला, इसको जोड़े यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको उसको फोटो को छोटा करके इस वाले फ्रेम में फिट कर देना, ओके, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा आराम से। यहाँ बारीकी का काम है दोस्तों, यहाँ आपको बहुत ही बारीकी से काम करना होगा, तभी यहाँ फ्रेम के बाद आ गया था फोटो का लुक नहीं आएगा, ऐसे लगेगा ये एडिट किया हुआ है। अब ऐसे लग रहा है कि हमने हमारे घर में शूट किया है फोटो, और कितना ताकत लग रहा है दोस्तों। मैं इसमें एक लाइटिंग लगाना भूल गए दोस्तों, आप लाइटिंग वाला वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल से देखना, वो हमारे फोटो के ऊपर वो लाइट लिख रहे हैं, इसमें एक थोड़ा सा प्रकाश नहीं है, ये मैं भूल गए दोस्तों, सॉरी यार। ये लगा, इसको क्रॉप कर लेना दूसरे वाले फोटो को, उसके बाद आपको राइट क्लिक कर लेना और इसको भी यहाँ पर फ्रेम में फिट कर देना होगा, ओके, इस हिसाब से ये ठीक है हो गया। इसको यहाँ से थोड़ा कर देना, थोड़ा नीचे से, ठीक है, ओके, यहाँ पर स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, इस प्रकार होने के बाद आपको तीसरा फोटो इसमें फ्रेम में फिट करना होगा। उसके लिए आपको इस थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं चारों साइड से, इधर से थोड़ा इधर से कर लेते हैं। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना होगा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा जूम करें इस तरह में, इस तरह यहाँ से। थोड़ा टाइम तो लगेगा दोस्तों, पर फोटो इतना एडिट होगा कि यार क्या बात ही। इसके बाद होने के बाद हम ना इस हमारे तस्वीर बड़े वाले फ़ोटो है ना, उसके पीछे एक हमारा नेम ऐड करेंगे हम, उसके राइट क्लिक कर देना, उसके बाद आपको टेक्स्ट का क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम लिख लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पर नाम ऐड करना होगा, पूरा नाम लिख के, नाम लिख लिया आप उसको ऐड कर लो, मैं रोगी लिख लाऊँ इधर, आप अपना नाम लिखना है जो अपना नाम है। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन करके यहाँ पे फ्रेम में फिट कर देना होगा, इसी ऑप्शन पे क्लिक, थोड़ा टेढ़ा है सीधा कर लेते हैं। उसके बाद ये नाम होगा इसकी, थोड़ी ऑपेसिटी को थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ शायद यहाँ पर होगी, ढूंढे नाम पर क्लिक करको, यहाँ से ये ऑप्शन पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इतना कम कर देना। देखो ये एडिट हो गया दोस्तों, थैंक यू, हमारा लाइक करें वीडियो को।